जिस चीज का हम सबको था इंतजार भाई, वो घड़ी आ गई। जसप्रीत बुमराह भाई मैदान पर वापसी करने वाले आयरलैंड दौरे के अंदर, और एक साल से ये खिलाड़ी क्रिकेट से दूर था, और जब भाई ये खिलाड़ी वापसी करेगा भाई, आपको फिर से वो बुमराह का जलवा देखने को मिलेगा, जिस चीज की आप सबको आदत है। एक साल पहले इस खिलाड़ी ने आखिरी बार क्रिकेट खेला था 2022 के अंदर, सितंबर का वो महीना था, ऑस्ट्रेलिया का वो मैच था जहां पर आखिरी बार जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे थे। तो भाई वहां पर हो गई इनको इंजरी और साल भर तक ये ऑलमोस्ट क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन भाई हम सबके लिए खुशखबरी की, जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड दौरे के लिए पिक किया गया बतौर कप्तान, और यहां पर आपको अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह। लेकिन भाई जब जसप्रीत बुमराह वापसी नहीं कर पा रहे थे, अपना रिहैब कर रहे थे, अपने आप को रिकवरी में डाल रहे थे, तो उस समय पर बहुत चीज़ें हुई थी जसप्रीत बुमराह के साथ, जहां पर मीम्स बन रहे थे कि भाई अब तो शर्म कर ले बुमराह कब वापसी करेंगे, इतना टाइम हो गया, आईपीएल खेलने आ जाएंगे बुमराह, लेकिन इंटरनेशनल के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज है जो उस समय पर भी वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहा था, यानी कि उसको पता था उसका जो लक्ष्य है वो है भाई वर्ल्ड कप, और उसको वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताना है, वनडे वर्ल्ड कप उसको टीम इंडिया के लिए खेलना है। तो भाई इसी चीज की तैयारियों के अंदर जुटे रहे थे बुमराह। उन्होंने भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले T20 से पहले, और उन्होंने तमाम बातें बताई कि मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था वनडे वर्ल्ड कप के लिए। जब सबको लग रहा था कि बुमराह का करियर खत्म हो जाएगा, उस समय पर जसप्रीत बुमराह जैसा चैंपियन गेंदबाज अपने चैंपियन तरीके से अपने भाई कमबैक की तैयारी कर रहा था, अपने वर्ल्ड कप वाली प्लानिंग कर रहा था। तो भाई क्या कहा जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए जानते। उन्होंने कहा कि मैं 10, 12 और यहाँ तक नहीं 15 ओवर की गेंदबाजी कर रहा था, मैंने अधिक ओवर गेंदबाजी की, इस तरीके से जब कम ओवर गेंदबाजी की जरूरत होगी तो आसानी होगी। हमने इस बात को जहन में रखा कि हमें एक दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, 4 ओवर की प्रतियोगिता नहीं है। यानी कि भाई उन्होंने अपना माइंड पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कि ये कोई 4 ओवर का फॉर्मेट नहीं है, ये लंबा फॉर्मेट होने वाला है, वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के अंदर, और कहीं ना कहीं इंडियन टीम मतलब इंडिया की सरजमी का मतलब ह्यूमिडिटी होता है, और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको 10-12 ओवर भी, आपको 15 ओवर लाइन लग जाते हैं। तो उसके लिए भाई जसप्रीत बुमराह तैयार थे, और जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉडी के ऊपर पूरी पूरी मेहनत की। तो भाई इसी चीज़ों का जिक्र किया जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी कि जब लोग सोच रहे थे कि भाई बुमराह का करियर खत्म हो गया, तब भाई बुमराह वर्ल्ड कप 2023 का लक्ष्य ले बैठे थे और कहीं ना कहीं उसके लिए अपने कमबैक में जुट गए थे। अब आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी वीडियो को लेकर, जसप्रीत बुमराह के कमबैक को लेकर कितना स्पेशल होने वाला है जसप्रीत बुमराह का कमबैक, और वर्ल्ड कप के अंदर कैसे रहेंगे जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर और उनके तीखे बाउंसर, फिलहाल इस वीडियो में।